नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स IRCTC, जो कि एक मोनोपोली स्टॉक है एंड स्टॉक कॉन्टिन्यूसली अब एक अप ट्रेंड में चल रहा है एंड जिस टाइप का राउंडिंग बॉटम के साथ प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, फर्दर यहाँ पे अप मूव देखने को मिल सकता है। नो डाउट स्टॉक का EPS में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जब भी स्टॉक में डी मिलता है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके साथ आप यहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं जिस टाइप का अभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो क्या रिस्क रेट बन रहा है, टारगेट क्या बनेगा, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजय सर को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद अभी तक देखिए 578% रिटर्न डिलीवर किया है एंड अभी देखिए कि राउंडिंग बॉटम के साथ प्राइस यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है एंड बड़ा टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 78% एंड लास्ट 6 मंथ का रिटर्न यहाँ पे 50%, तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर अब हम यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है जो कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर एक कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है उसके साथ स्टॉक का प्राइस एक बड़ा टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड में चल रहा है, वो सबसे बेस्ट स्टॉक होता है एंड लीडर होता है। अगर अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 62.4% एंड FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या चाहिए, DI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कम कर रहा है पब्लिक, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में अगर रिटेल डिक्रीज करते हैं होल्डिंग उसको आप पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। अगर अब हम स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे इसी रेंज के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है एंड इसी रेंज का जो अपर बाउंड्री बन रहा है वो बन रहा है 1280। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 1280 लेवल को टेस्ट करेगा, उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करेगा, रेस्ट करेगा, फिर से नेक्स्ट मूवमेंट के लिए यहाँ पे रेडी होगा एंड प्राइस देखिए यहाँ पे रेंज के अंदर कॉन्स्टेंट क्या है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन आज क्रिएट किया है एंड जैसे कि इस रेंज का जो लोअर बाउंड्री बन रहा है 560 के आसपास, अपर बाउंड्री 1280, इसी रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा नेक्स्ट अप मूव आएगा। ब्रेकआउट क्यों आ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे अप है एंड प्राइस जिस टाइप का रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेशन होने के साथ जिस टाइप का राउंडिंग बॉटम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है एंड जिस टाइप का आज यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, देखिए क्लियर कट हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है तो आने वाले टाइम में इनिशियल टारगेट बनेगा 1280 का एंड बड़ा टाइम फ्रेम का जो टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर लाइफ हाई के ऊपर चला जाएगा वहां पे कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है एंड वहां पे टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। पहला टारगेट बनेगा लाइफ हाई 1280, सेकंड टारगेट बनेगा 1.600 फिबो लेवल 1720, उसके ऊपर अगर बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट देखेंगे 2.600 फिबो लेवल 2440, हाई प्रोबेबिलिटी लाइफ हाई 1280, सेकंड टारगेट 1720 एंड बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट 2440। इस तीनों टारगेट को टेस्ट कर सकते हैं, बस आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाय ऑन डिप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें SIP कर सकते हैं जो कि बहुत एक अच्छा स्टॉक है SIP करने के लिए। उसके साथ अगर इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट देखेंगे, मेजर सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है नियरली 870 जो कि उसका प्रीवियस लो है, ये जो लेवल है ना 870, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करेगा तो 870 के आसपास सपोर्ट ले सकता है जो कि ये लेवल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर IRCTC एंड हमेशा से तो क्वांटिटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स से समझ पा रहे होंगे, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।